और मैं तो भूल भी गई थी कि जॉर्डन और इलाही का डाइवोर्स होने वाला है। नाइस, वेरी नाइस। मतलब अब मुझे अपने ही घर में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी करने का भी हक नहीं, लेकिन मैं अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे बिजनेस एसोसिएट्स को इनवाइट कर चुकी हूँ। क्या कहूँ मैं उन लोगों से? मत भूलो इंदर कि हमारे लिए बिजनेस एसोसिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए फैमिली बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन करो, कैंसिल कर दो, बोल दो सबको नहीं हो रही पार्टी। सॉरी, मैं ऐसे लास्ट मोमेंट में पार्टी कैंसिल नहीं करूंगी। घर में कोई मौत नहीं हो गई है कि पार्टी कैंसिल कर दो। जबान संभाल कर बात कर माई। इंदर ताया जी, और इस तरह गल्ला नहीं करते। ताऊ जी बैठिए। अरे लेकिन जान तो तक। ताया जी प्लीज रिलैक्स, बैठिए। कल इस घर में पार्टी होगी। अब तीर सही निशाने पे लगा है। लेकिन जहान, प्लीज आप मम्मा की फिक्र मत कीजिए। मैं उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा, ना वो पार्टी में होंगी ना उन्हें कुछ पता चलेगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इस घर की शांति और सुख चैन खराब हो। फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए। आई थिंक जहान ठीक कह रहा है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए यही ठीक रहेगा। मुझे कोई भी नाटक नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे इलाही, तुम ऐसे कैसे चली जाओगी? अब मॉम ने पार्टी अरेंज की है और सब मॉम से पूछेंगे कि मेहताज की बहू का है, तो क्या बोलेंगे? वही जो उन्हें जवाब देना चाहिए कि इलाही ये घर छोड़ के जा चुकी है, मेरे बेटे से अलग हो रही है और उसे डिवोर्स दे रही है।